बोलेंगे, हंस के सब कह जाएंगे। दोस्तों फिर से हाजिर हूँ मैं कुछ अटपटी चटपटी कुछ अनकही अनसुनी बातों के साथ, और हाँ नारीवादी चश्मे के साथ। दोस्तों इस बार मेरे शो का मुद्दा है शिक्षा, यानी कि लड़की और लड़के की शिक्षा की बात। आज भी छोटे शहरों में या ग्रामीण स्तर में रूढ़िवादी सोच लोगों पर हावी है, वो आज भी लड़कियों को बराबर का दर्जा नहीं दे पाते हैं। ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कराई तो हाई स्कूल इंटर या बीए, उसके बाद कहा जाता है कि तुम्हें क्या करना है ज्यादा पढ़ के, घर में ही तो रहना है, चूल्हा चौका ही तो संभालना है, घर के काम ही तुम्हारे लिए जरूरी है, पढ़ाई करके क्या होगा। अगर यहीं पे लड़का अगर चाहता है कि वो आगे पढ़ना चाहता है, वो कहीं बाहर जाके कुछ करना चाहता है, तो ये मौका लड़के को दे दिया जाता है, लेकिन लड़कियों को ये मौका नहीं मिलता। तो आइए जानते हैं हम ऐसे ही कुछ लोगों से जिनके दिमाग आज भी रूढ़िवादी सोच बसी हुई है। डर लगता है, अब देखो जो जमाना, अब ना बिटिया क्या जाने मिला, ना लड़कन क्या जाने मिला। अब हुआ हम कही थी जाई थी पढ़ाए, हम जाई थी कहती ये पढ़ाए, अब कक्षा माँ की दूसर पढ़ाई कर रहे थे कि अपना पढ़ाई कर रहे थे, वहीं तो कहा जाने मिला था। देखो रास्ता में वही जाते वहीं, हाँ यहाँ छिन मऊआ वही जाता दे जाइया, दोस्ती का ही ले आते, धोखा निपोरी का ही ले आते, अब हम कहा यार अरे पड़े वाला मरा ही, अब नहीं जाने दे दी, अब का करी, अब हम लड़का नहीं करते दोस्ती, लड़का नहीं, लड़का तो कर रहे थे वहाँ, लड़का को तो नहीं रोका जाता। अब लड़कन के का कहाँ पाछे पाछे फिरी दीदी, का उनके हाथ लगाए रही बेका, लड़कन के रोक लगती है, रोक लगाई जाती लड़का, हाँ रोक लगाई जाती, पर रोके नहीं रहता ही, बिटिया रुक जाती, हाँ बिटिया रुक जाते हैं मारगरिया के। वो छोटी वाली पढ़ा थी, अब बड़ी वाली वो बंद कर दी, क्यों, वो अब घर के काम में लग गया है। क्यों घर के काम में लग गई, आगे नहीं पढ़ना चाहती, अब सयानी हो गई, अब कहाँ पढ़ी है, अब अंत तक कहाँ पहुँचाई, पढ़ाई कर रही हो, नहीं अभी बंद है। क्यों बंद कर दी, बंद कर दिए, किस लिए, घर का काम नहीं करने वाला था कोई, काम की वजह से पढ़ाई रोक दी। हाँ और कितने भाई बहन हो, दो भाई तीन बहन। आप लड़की हो इसलिए आपकी पढ़ाई रोकी गई, अगर लड़का होता आपकी जगह तो पढ़ लेते। आपका मन था आगे पढ़ने का? हाँ था, फिर लोग नहीं पढ़ाए। ये अक्सर सुनने को मिलता है ना समाज में कि लड़की हो बस इतना काफी, इतना पढ़ लिया है, अब घर के काम देखना है या ससुराल जाना है। ये तो लोगों की मानसिकता गलत है। आज की डेट में जो लड़कियां काम कर रही हैं, लड़कियों की अपेक्षा लड़कियां बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, बहुत ज्यादा आगे हैं, बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, और मैं तो कहता हूँ कि नारी सशक्तिकरण और महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। कितने परसेंट लड़कियां हैं जो आगे बढ़ रही हैं, उनको छूट दी जाती है, पूरा फ्रीडम दिया जाता है पढ़ने का या आगे बढ़ने का मौका दे? आज की डेट में हमारे यूपी बिहार में क्या एक्टिव रहता है कि मतलब 60% लड़कियों को आगे बढ़ाया जाता है, 40% लोग दबा देते हैं कि क्या करोगी क्या नहीं कर पाओगे, शादी कर देते हैं, कम उम्र की लड़कियों को मतलब शादी कर देते हैं, वो जल्दीबाजी करते हैं, वो लड़कियों की वैल्यूफिकेशन कम करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि लड़कियाँ पढ़ नहीं रही हैं या लड़कियाँ आगे नहीं बढ़ रही हैं, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि लड़कियों को माँ बाप पढ़ा नहीं रहे, लेकिन बस इतना ही कि जितना वो घर संभाल लें उनके लिए उतनी ही पढ़ाई काफ़ी मानी जाती है। हमारे देश की लड़कियाँ हर क्षेत्र में आगे हैं, हर क्षेत्र में उनकी भागीदारी है, लेकिन फिर भी उनको अभी पूरी छूट नहीं दी जाती। नहीं बिटिया का तो हम नहीं भेज सकता है, बिटियन का कहाँ बाहर कमाने के लिए जाएंगे, क्यों, क्यों लड़के को तो भेजते हैं ना, लड़के जाते हैं, लड़कियों को कोई नहीं जाने देते, लड़के बाहर कमा सकती हैं, कहाँ कैसे कमाएंगे, लड़के का हम नहीं जा सकते, लड़की का जितना हम कर्तव्य है उतना हम पढ़ाई थी लिखाई थी खवाई थी, फिर उनका शादी शुदा कर दें अपने घर में। कितना पढ़ाएंगे आप, 10 तक पढ़ा लें, 11 तक पढ़ लें, 12 तक पढ़ लें, फिर शादी, शादी चूल्हा चौका करना है फिर जाके बस। पापा का मैं ये कहना है कि जितने हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं हम पढ़ाना चाहते हैं, ये नहीं कि बच्चियों को पढ़ना है और हमें पढ़ाना नहीं है, उनका मन है तो हम पढ़ाएंगे। अभी आप क्या कर रहे हो, जैसे आपको कहीं बाहर जाना है, बाहर पढ़ाई करनी है, तो अभी बाहर के लिए नहीं है। अगर लड़की को बाहर जाके पढ़ना है तो आप लड़के को वो मौका देंगे, लड़की को जल्दी नहीं देंगे, आप बताइए सही है कि नहीं? हाँ ये तो आदमी की सोच है कि मतलब ये फर्क पड़ जाता है कि पुराने कहावत में एक रिवाज कहावत था कि ना कि
कि मतलब लड़का कुल बढ़ाता है, लड़की कुल नहीं बढ़ाती। पर अगर देखे तो लड़की दो कुल को देखती है। हाँ हाँ, वो तो दोनों कुल को धन्य करती है। हमारे भी एक लड़का एक लड़की है, लड़के ने बंद कर दिया, लड़की पढ़ रही है। दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये शो? अगर आपको मेरा ये शो पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर से जरूर करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरा ये शो कैसा लगा। तो चलती हूँ मैं, फिर आऊंगी एक नए मुद्दे के साथ, और हाँ, नारीवादी चश्मे के साथ। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।